अयोध्या में अब तक का सबसे बड़ा उत्सव होने वाला है। इस वक्त अयोध्या की जिस गली से आप गुजरेंगे वहां वहां से आपको राम राज्य की झलक देखने को मिलेगी। लेकिन जितनी भव्य तैयारी है उतनी कड़ी सुरक्षा भी है। इस वक्त अयोध्या में है ऐसी सुरक्षा की परिंदा भी पर ना मार पाए। आसमान से ड्रोन का पहरा है तो जमीन पर 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी की निगरानी है। और अगर इससे बच भी गए तो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं सुरक्षा कर्मी और उनके हथियार। देखिए इस रिपोर्ट में। बनाए गए हैं। अयोध्या में इस समय सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। हम इस समय लता चौक में हैं और इस समय हम जब यहाँ ड्रोन की जरिए सर्विलांस का चेक किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए अभिषेक, ये लता चौक है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस कर्मी हैं चप्पे चप्पे की जो सुरक्षा है सुरक्षा कड़ी की गई और ड्रोन के जरिए भी पूरे अयोध्या की निगरानी रखी जा रही है कि कहां पर क्या हो रहा है। और तमाम जो ये इस वक्त रिहर्सल हो रही है, जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, एसपी यहां पर मौजूद हैं और दूसरे अधिकारी यहां मौजूद हैं और वो ड्रोन के जरिए यहां तस्वीरें भी देख रहे हैं कि अयोध्या में इस वक्त क्या चल रहा है। और ये जो जगह है रोहित, लता चौक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, सेल्फी पॉइंट कहा जाता है। योगी जी ने यहाँ की सेल्फी ली थी। सबसे अधिक जो है कंसंट्रेशन हम देखते हैं यहीं पर हो रहा है, इसलिए भी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए ये लता चौक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राम की पैड़ी इसके ठीक बगल में है और जो भी अयोध्या आता है राम की पैड़ी आता है उसके बाद लता चौक जरूर आता है। किसी भी व्यक्ति कोई वस्तु कोई अस्वाभाविक चीज ऐसी दिखती है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखता है किसी का, तो ऐसे लोगों को ट्रेस करके और उनका तत्काल उस पर त्वरित कार्रवाई। फ्रीक्वेंसी क्या है सर्विलांस की जो भी हम देखें? जहाँ पे ये रहेगा उससे 500 मीटर के दायरे में ये पूरा क्लोज ऑब्जर्वेशन करेगा। इसको जितनी दूर तक ले जाएंगे 500 मीटर दूर तक हम ले जा सकते हैं। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रामपथ की तस्वीर। लगातार इस सड़क से डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है, हमें वक्त वक्त पर जो पुलिस की मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। पुलिस की आला अधिकारियों की गाड़ियां आपको तस्वीरों में अब भी नज़र आएंगी, चाहे वो डीएम हो या पुलिस के बड़े अधिकारी हों, आला अधिकारी हों, वो लगातार इस रोड पर राउंड्स लगा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में
किस तरह से पूरा जो कार्यक्रम है उसे आयोजित किया जाएगा, कैसे जाम जैसी व्यवस्था अगर होती है तो उसे डील किया जाएगा। राम मंदिर की सुरक्षा को आज से SPG ने अपने दायरे में ले लिया है और इसके अलावा यहाँ जो पुलिस की व्यवस्था की गई है वो अगर हम आपको आंकड़ों में बताएं तो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ UP पुलिस की तरफ से 3 DIG लगाए गए हैं, 17 IPS और 100 PPS स्तर के अधिकारी अयोध्या में तैनात किए गए हैं। इनके साथ 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर और 1000 से ज़्यादा कांस्टेबल मौजूद रहेंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम SPG की निगरानी में ही होना है, उसके साथ CRPF, ATS और STF के अधिकारी भी लगातार संपर्क में रहेंगे। किसी भी तरीके का जो बड़ी घटनाएं संभावित होती हैं, किसी भी तरीके का थ्रेट परसेप्शन अगर एजेंसियों को मिलता है तो उससे निपटने के लिए हर समय हर घड़ी यहां पर जो पुलिस ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जो एजेंसियां तैनात की गई हैं वो मुस्तैद हैं और निपटने में सक्षम हैं। निगरानी के लिए UP पुलिस ने 10,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए हैं। जिन लोगों की दुकानों और घरों के सामने CCTV कैमरे लगे हैं